हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। ये देखिए दोस्तों, ये जो देख रहे हैं तो ये होटल है दोस्त। इसमें पार्सल छोड़ने आएंगे ना किंग, तो पार्सल छोड़ने डिलीवरी का काम इधर आता है दोस्तों। डिलीवरी में कमाई अच्छा है भाई, अगर आ रहे हो तो आओ, ठीक है। पिज्जा वीजा बनता है होटल, देखिए जो है होटल में आ रहा है। देखिए काउंटर यहाँ का किस तरह का होता है, देखिए देखिए दोस्तों। पार्सल उर्सल छोड़ने में आ सकते हैं भाई, तो पार्सल में भी है, ऊपर का कमाई है भाई। लोग आ जाओ, जिसको भी आना है। चलिए मैं यहाँ का थोड़ा रोड इलाका सब दिखाता हूँ, किस तरह का होता है। देखिए ये है भाई सऊदी अरब रियाद का सीन। मेरे बाजू में ये होटल है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को कुछ बताता हूँ, ड्राइवरी में आना चाहते हैं तो। देखिए मेरे बाजू में कार सब लगा हुआ है, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए कार पार्किंग कुछ यहाँ का, देखिए पार्किंग कुछ इस तरह का लगता है। उधर भी रोड सब है। चलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इधर ही दोस्तों, आप लोगों को भाई बता देता हूँ थोड़ा गाड़ी के बारे में। जो है कितना बार बताया हूँ फिर भी जो है ऑटोमेटिक कार आप लोगों को चलाने का तरीका दोस्तों। नया सब्सक्राइबर जो जुड़ रहे हैं उसको बता देते हैं। इतना कमेंट आप लोग करते हैं कि दोस्त देखिए वहाँ पे सऊदी अरब में हम ऑटोमेटिक कार चलाने आए हैं कि मैनुअल कार है। हम इंडिया में तो मैनुअल चलाते हैं, तो हमें वहाँ पे ऑटोमेटिक कार चलाने में कितना प्रॉब्लम हो सकता है या कितना प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सीट बेल्ट एडजस्ट कर लेना है भाई। देखिए भाई मैं क्या खरीदा हूँ, देख रहे हैं, एक रियाल का एक है, 18 रुपये का एक है, ठीक है दोस्तों। सीट एडजस्ट करने के बाद जो दोस्तों आपको सिर्फ ये देखिए, ये खाली मेन होता है गियर, गियर आपको डी में लगाना है दोस्तों। डी में लगाने के बाद एक्सीलेटर जैसे इंडिया में है सेम टू सेम, एक पाँव से काम करना, एक पाँव देखिए, ये पाँव से देखिए यहाँ पे होता है, देख रहे हैं, ये देखिए ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है दोस्तों। तो ये एक्सीलेटर हम देते रहेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को किस तरह का लग रहा है कि ऑटोमेटिक कार हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, कमेंट करते हैं। क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखिए ये इंडिकेटर हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये वाइपर का है, ऐसे करेंगे ये वाइपर, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और ये तो है इंडिकेटर, इधर जाए लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट, राइट जाएंगे तो राइट, ठीक है दोस्तों। और ये सब देखिए, ये मिरर सेट करने वाला है दोस्तों। तो मैं आया हूँ दोस्तों गाड़ी लेकर के, मैं बोला चलिए आप लोगों का कुछ ऑटोमेटिक कार जो बोलते हैं कि चला पाऊंगा कि नहीं। ये दोस्तों ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये इंडिकेटर है, 4 इंडिकेटर जलाना पड़ेगा कभी भी आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं, रोक रहे हैं गाड़ी, पार्किंग में लगा रहे हैं, तो इसको ज़रूर दबाइएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों ये जो देख रहे हैं, इसमें ये ब्रेक पे पाँव डालने के बाद दोस्त इसको हम दबाएंगे तो देखिए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों स्टार्ट हो गया मेरा गाड़ी, चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए इसमें आपको सब चीज़ बताएगा, ठीक है दोस्तों।
अभी गाड़ी आवाज़ कर रहा है तो देखिए मेरे आगे में झाड़ लगा हुआ है, इसके लिए थोड़ा भी कोई चीज़ सटेगा आपका साइलेंसर लगा हुआ है, थोड़ा भी गाड़ी टच होगा तो आपको जो है बताएगा कि गाड़ी टच हो रहा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ बताएगा दोस्तों। और चलिए तो हम गाड़ी को जो है बंद कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा और कुछ बता देते हैं दोस्तों। ये सब देखिए दोस्तों, ये एसी का हो गया, जितना भी देख रहे हैं ये एसी का है, ये सब आपको कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ज़्यादा करके ऑटोमेटिक कार में ही सब सिस्टम रहता है, देखिए मोबाइल चार्ज करने वाला भी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों सिगरेट जलाने वाला भी है दोस्तों, ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये फ्रिज है दोस्तों, फ्रिज ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कैमरा लगा हुआ है, इसमें जो देख रहे हैं ये कैमरा लगा हुआ है दोस्तों, पीछे आपको दिख जाएगा जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना तो बैक करेंगे। चलिए हम दिखा देते हैं कैमरा, ये देखिए दोस्तों कैमरा देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए कैमरा आपको दिख जाएगा, ये देखिए ठीक है दोस्तों, ये देखिए पीछे का दिखा रहा है कि पीछे में गाड़ी है या क्या है, ठीक है दोस्तों देख लीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए बंद कर दिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये आग का मशीन है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे रहता है। और फर्स्ट आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कभी भी किसी का भी गाड़ी अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं दोस्तों चलाने के लिए, तो आपको गाड़ी का देख लेना है इंश्योरेंस फेल है या गाड़ी में कागज पत्र है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरे गाड़ी में दोस्तों है, देखिए यहाँ पे इसको खोलेंगे दोस्तों, ये देखिए पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है। किसी का भी गाड़ी चलाने से पहले दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खुदा ना खास कभी बाय चांस नसीब कभी किसी का क्या होता है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ पर जो मरूर होता है पुलिस पकड़ लेगा, आप बुरी तरह फंस जाएंगे दोस्तों। तो ये आपको चेक कर लेना है कि गाड़ी में कागज़ पत्र है या नहीं है, इंश्योरेंस फेल है या जो भी है। अगर किसी दिन आप गाड़ी ठोक गए पकड़ा गए वो तो कपिल ही जानेगा, फिर भी जो है कितना होता है तो छोड़ देता है, बोलता है अरे इसको तो इसको मैं बोला था चेक करने के लिए और इसने जो है चेक नहीं किया, ठीक है फंसा देगा आपको, फंस जाएंगे। यहाँ पे दोस्त बहुत स्ट्रिक है, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा ध्यान से किसी का भी गाड़ी अगर आप कपिल का चलाने आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको पहले ओनर बुक कागज पत्र सब चेक करके तब गाड़ी चलाना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कितना बार ये होता है कि जैसे पीछे से आप लोग आप नए नए आएंगे तो पीछे से ही ज़्यादा मैडम लोग बोलेगा कि लेफ्ट, अगर आपको अरबी नहीं आ रहा है तो लेफ्ट राइट तो समझ रहे हैं ना, लेफ्ट राइट समझ रहे हैं ना, बस कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट आप समझ रहे हो तो लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट में जाना है, राइट बोलेगा तो राइट में जाना है। और स्टेयरिंग का बोल रहे हैं, स्टेयरिंग में घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है, दो हाथ से पकड़िए दोस्तों और बस आराम से गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और डरिएगा जितना उतना आपको तकलीफ़ होगा गाड़ी चलाने में, हम भी शुरू शुरू में थोड़ा डरते थे लेकिन अभी डर को छोड़ दिए दोस्तों, तो आपको दिक्कत नहीं है, चला रहे हैं मस्त में गाड़ी दोस्तों, और 20-25 हज़ार आराम से कमा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मैडम लोग लेफ्ट बोलेगा राइट बोलेगा, ओके मैडम बोलना है, ठीक है, खाली ओके ओके कर करके दोस्तों आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अरबी उतना नहीं आता है, हम भी नए नए हैं, हमको भी अरबी नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी हम यहाँ का भाषा थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, मैं ज़्यादा इंग्लिश में ही बात करता हूँ, ठीक है भाई लोग। इंग्लिश उतना नहीं आता है, थोड़ा लेफ्ट राइट काम चलाने के लिए, इतना इंग्लिश कोई मांगता ही नहीं है, ठीक है भाई, थोड़ा काम हम चलाने के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश मांगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 दिन जो है आपका, अगर जूना ड्राइवर है या नया ड्राइवर है, जब ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे तो आपका 10 दिन का ट्रेनिंग होगा ही, चाहे जूना कितना भी जूना क्यों ना रहे,
ट्रेनिंग उसको ले जाओगे तो आपका ट्रेनिंग होगा। तो लीजिए दोस्तों, आज का ये वीडियो में सोचा कि चलिए कुछ आप लोगों को टिप्स बता देते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रखते हैं तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।